पोको के F4 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर अपडेट आ चुका है, जो कि हमारा वही पिक्सल लिनेज OS है, जो कि आपको यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। लास्ट टाइम ने इसे हाईली रिकमेंडेड भी किया था और इसी का एक अनदर अपडेट है। ऐसे बीच में 2-3 अपडेट आ चुके हैं, बट ये अभी का लेटेस्ट करेंट वर्जन का है और इसमें क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा और हर एक सिंगल डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, चाहे बग हो, परफॉर्मेंस हो या फीचर्स वगैरह हो। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना ताकि आपको सारी डिटेल मिल सके इस अपडेट से रिलेटेड। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग कहते हैं यार वीडियो नहीं रुकना चाहिए, तो मैं भी कहता हूँ यार शेयरिंग और लाइकिंग नहीं रुकनी चाहिए, तो कर दिया करो। ओके, सबसे पहले हम आते हैं इसके अबाउट पे, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि है हमारा यहाँ पे एंड्रॉयड 15 लीने जो इसका 22.2 आपको देखने को मिलता है। ये आपको वर्जन देखने को मिल सकता है 6.18 जो कि मंच के नाम से आता है। 1 जून का यहाँ पे सिक्योरिटी पैच अपडेट है, यहाँ पे 1 जून का वेंडर भी आपको देखने को मिल जाता है। नो कर्नल यूज किया गया है, यहाँ पे बिल्ड डेट 18 है और ये हमारा बिल्ड नंबर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखते हो लीनेज OS वर्जन यहाँ पे भी दिखाई देता है। सेटिंग के अंदर जो स्मूथनेस है वो रियली में काफ़ी बेहतरीन रहता है, जैसे कि आपको पिक्सल रोम पे फील होता है ना, सेम उसी तरीके से। और जियो 5G वगैरह आपका वर्किंग है, जहाँ पे आप वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हो, कोई इशू नहीं आता। अनदर यहाँ पे आपको एक और चीज़ नोटिस होती है कि अगर हम बॉटम की ओर आते हैं तो एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी, लोकेशन, प्राइवेसी देखने को मिलेगा, जहाँ पे फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आप यूज कर सकते हो, जो कि स्टॉक ऑफिशियल लीनेज में फेस अनलॉक नहीं रहता, बट यहाँ पे ऐड करा गया है। साथ साथ इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ साथ यहाँ पे डिवाइस आपका इनक्रिप्टेड रहता है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सिस्टम, जहाँ पे आपको बेसिक से सेटिंग मिल जाएंगे बटन वाले, जैसे कि लॉन्ग स्वाइप आपको क्या रखना है, इन कॉल करना है या नहीं, लॉन्ग प्रेस का ऑप्शन, वेकअप का, यहाँ पे पार्सल का, और बाकी यहाँ पे रोटेशन लेफ्ट एंड राइट करने का ऑप्शन आपको मिलता है। स्ट्रेस बार के अंदर आपको क्विक पुल डाउन देखने को मिल जाएगा, नेटवर्क ट्रैफिक आपको मिल जाता है, क्लॉक है, कस्टमाइजेशन वगैरह है, जो कि ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिया गया, ना ही बैटरी से रिलेटेड आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। बाकी यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर और ऑटो ब्राइटनेस आपका मिलता है, जो कि सही तरीके से काम करता है। जेस्चर्स के अंदर आपको यहाँ पे लैपटॉप चेक का ऑप्शन मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलेगा, और साथ साथ यहाँ पे नेप बार के अंदर यहाँ पे जो कि सर्कल टू सर्च है वो भी आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे स्वाइप का भी ऑप्शन आपको दिखाई देता है। साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है इसका अपडेटर सेशन, यहाँ पे डिवाइस डायग्नोसिस और ये प्रोफाइल, जो कि रियली में काम करता है और परफॉर्मेंस जो निकाल के देता है ना, मजा सा आ जाता है। और विदाउट इसके भी आपको परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिलेगा, तो टेंशन मत लेना। साथ ही साथ इसमें बैटरी का इम्प्रूवमेंट ऐड किया गया है, जो कि आपको देखने को मिलता है, अप स्ट्रीम वगैरह सारी चीज़ करी गई है, जिसकी वजह से जो बैटरी बैकअप आपको पहले मिल रहा था ना, उससे और बेटर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साथ साथ चार्जिंग कंट्रोल आप चाहो तो सेट कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है। अनदर यहाँ पे वॉलपेपर स्टाइल के अंदर ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जब भी आप इसे ओपन करते हो और यहाँ से कोई वॉलपेपर सेट करते हो ना, तो उसे सेट होने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ये ले लेता है, सम टाइम, तो हमेशा नहीं होता लेकिन सम टाइम ये लेता है। इस तरीके से यहाँ पे सेटिंग हो रहा है, जो कि अभी किक हो गया, तो ये देख लेना, एक दो बार हुआ था लेकिन अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया ये काफ़ी जल्दी है जो एक्सेस हो गया है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आई, कोई बिग इशू नहीं है, इसलिए बस मुझे फेस हुआ तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपका ऑटो ब्राइटनेस आपका अच्छे से काम कर जाता है, लॉक के अंदर कई सारे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं, आप AOD वगैरह भी यूज कर सकते हो और आपके प्रॉपर काम करते हो, और यहाँ कस्टमरों का जो AOD है ना वो मुझे रियली में पसंद भी आता है। साथ साथ डार्क मोड के अंदर आपको प्योर ब्लैक मिलता है, जो कि बहुत सारे लोगों को इसकी नीड होती है। साथ साथ नाइट लाइट आपका वर्किंग है, लाइव डिस्प्ले का ऑप्शन आपको मिल जाता है, 60:120 सेट कर सकते हो, स्मूथर डिस्प्ले है, फुल स्क्रीन ऐप का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको मिलता है हाई ब्राइटनेस मोड वगैरह, जो कि आप यूज कर सकते हो और ये प्रॉपर आपका वर्किंग रहेगा। यहाँ पे आपको ये मोड्स जो कि फोकस मोड से इंस्पायर वगैरह है मिल जाएगा। साउंड के प्रोफाइल पे यहाँ पे आपको डॉल्बी देखने को नहीं मिलता, डिफॉल्ट ही आपको साउंड इफेक्ट्स वगैरह मिलेंगे। साथ साथ यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री और ये जो आपका नोटिफिकेशन कूल डाउन का फीचर है ये भी आपको इंक्लूड मिलता है, जो कि प्रॉपर काम करता है। ऐप्स के अंदर आपको क्लोन मोड ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, अगर ऐप लॉक भी ऐड होता तो मज़ा सा आ जाता, बट वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, लेकिन हाँ क्लोन आपका वर्किंग रहता है, जहाँ पे मैंने कुछ एप्लीकेशन को क्लोन कर रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और ये आपके वर्किंग रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो तीनों को मैंने क्लोन कर रखा है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आती। साथ साथ यहाँ पे और ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता, ये सारी चीज़ सिमिलर सी चीज़ें रहती है, और यहाँ पे एनिमेशन और स्मूथनेस वगैरह ओवरऑल काफ़ी सही दिखाई देता है। अब रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस रिजल्ट, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस के बाद और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जानना है, इसलिए पूरा वॉच करके ही जाना। तो आते हैं अपने स्क्रीन शॉट कलेक्शन के ऊपर, जहाँ पे मैंने सारे परफॉर्मेंस टेस्ट को रख रखा है, जैसे कि बैटरी ड्रॉप, क्योंकि ये रात में मैंने डाला था, देखा कि अपडेट आ गया तो सोचा कि चलो कवर कर लेते हैं, इसलिए लाइक कर देना भाई। यहाँ पे आप देखो कि 90% बैटरी है, मॉर्निंग में आता है 87 और टाइमिंग आप देखते हो मॉर्निंग का 5:57 है और यहाँ पे 11:28। मैं भाई करीब 9 बजे तक सो जाता हूँ, लेकिन इस रूम की वजह से मुझे यहाँ पे इतने टाइम तक जगना पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए,
लाइक कर देना, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखो स्टैंड बाई बैटरी ड्रॉप जो कि है 6 आवर्स 43 मिनट का स्टैंड बाई है, जहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, जो कि मैं कहूँ कि नॉर्मली ठीक है, कोई खास बुरा नहीं है और कोई खास अच्छा भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। वहीं पर आप देखो कि हमारा जो AnTuTu स्कोर है रियली में काफ़ी इंप्रूव्ड है, और पिछला वाला जो पिक्सल लीनेज का अपडेट था उससे स्लाइटली थोड़ा सा बेटर मुझे ये लगा है। साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा गीकबेंच भी, जो कि मैं लास्ट वाला भी ऐड कर दूंगा सामने अगर रहा तो, ताकि आप देख पाओ साइड बाय साइड, तो ये भी मैं कहूँगा काफ़ी बेहतरीन है। साथ साथ सीपीयू टोटल 3,23,000 का मैक्स, और मिनिमम यहाँ पे 2,85,000, 90 का परसेंटेज और काफ़ी स्टेबल ग्राफ है, जो कि ये भी काफ़ी अच्छा खासा है। वहीं पे आप देखोगे कि हमारा जो गेमिंग है वो पिछली बार की तरह इस बार भी अनलॉक है, जहाँ पे आपको स्ट्रीम प्लस और अल्ट्रा स्ट्रीम का भी सेटिंग अनलॉक मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ साथ मैंने फोटो वगैरह क्लिक किया जो कि काम कर रहा है, और हाँ कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि यार सेल्फी में क्या क्या ब्यूटी वाला ऑप्शन दिया है वो दिखा दिया करो USB रोम वगैरह में। तो यहाँ पे जो कैमरा है वो तो आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है स्टॉक कैमरा, लेकिन यहाँ पे हम सेल्फी के ऑप्शन पे आते हैं तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आप देख सकते हो स्मूदर है और बाकी ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं ब्यूटी के, जो कि आप लोगों की डिमांड थी, तो मैं यहाँ पे आपको शो कर दे रहा हूँ ताकि आप बाद में क्वेश्चन ना करो। और ये आपको फिल्टर्स के कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ साथ अगर हम आते हैं पोर्ट्रेट के ऊपर, तो पोर्ट्रेट पे कुछ इस तरीके से आपको जो ब्लर वगैरह के ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे कुछ फिल्टर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको फ्लेयर वगैरह के ऑप्शन मिलते हैं। तो ये टोटल चीज़ आपको सेल्फी में देखने को मिलती है, बाकी बैक कैमरे में आपको जो चीज़ें मिलती थी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आता। लेकिन हाँ बाय डिफॉल्ट कुछ फीचर्स नहीं थे जैसे कि सुपर मून वगैरह, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको बग दिखाई देगा, तो उसके लिए कंप्लेन मत करना कि है और काम नहीं कर रहा। भाई ऑफिशियली हमारे फ़ोन में नहीं मिला था, एक्स्ट्रा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ कुछ चीज़ें आपको दिक्कत करेगी, तो उसे आप सिंपली इग्नोर कर सकते हो। बाकी हम बात करते हैं बाकी अदर ऑप्शंस की, तो यहाँ पे सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि यहाँ पे बूटर लॉक का स्पूफ है, और करंटली यहाँ पे आपका डिवाइस सर्टिफिकेशन भी पास कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बट एवरी टाइम गूगल इसे ब्लॉक करता रहता है, तो मे बी आने वाले टाइम में ब्लॉक हो जाए, फिर से वापस आपको फेल नजर आए, तब आप इसे मैनुअली फिक्स कर लेना। बट अभी के टाइम पे सबसे बड़ा एडवांटेज की है बाय डिफॉल्ट फिक्स है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिवाइस सर्टिफिकेशन है और बैंकिंग ऐप वगैरह यूज करने में भी दिक्कत नहीं आने वाली। फोटो स्टोरेज आपको अनलॉक मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी कैमरा वगैरह मैंने चेक किया वो तो सही है, और ये वॉलपेपर मैं इसके डाउनलोड लिंक के साथ दे दूंगा ताकि आपको फाइंड करने में दिक्कत ना आए। और चार्जिंग देखो 23 में जो 37 जाता है, उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पर चार्जिंग पर डाला था, किधर गया भाई हमारा आज का यहाँ पर दोबारा का टेस्टिंग, तो यहाँ पर आई थिंक दोबारा का नहीं है वो ये, ठीक है। तो यहाँ पर चार्जिंग ओवरऑल मैं कहूँगा कि नॉर्मल देखने को मिला, बाकी वीडियो कॉल हमारा प्रॉपर काम करता है, तो जियो की वजह से तो कर सकते हो नो इशूज। और कॉल रिकॉर्डिंग का एक एडवांटेज देखने को मिला कि जब भी आप कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हो ना, तो सिर्फ उसी आपको सुनाई देता है कॉल रिकॉर्डिंग, लेकिन सामने वाले को पता नहीं चलता कि आपने कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर मोटिवेशन करी गई है, तो काफ़ी बेहतरीन है, गूगल डायलर वाला झंझट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ एक बग जो कि आजकल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं अलग अलग डिवाइसेज के, अलग अलग USB रोम में, कि जब भी आप ब्लूटूथ डिवाइसेज कनेक्ट करते हो हेडफोन वगैरह, तब यहाँ पे सम टाइम अलार्म बजता है, तो हमारे है जो कान में सुनाई देता है, फोन पे रिंग नहीं होता। बट मैंने यहाँ पे चेक किया तो दोनों में सेम टाइम पे आपका साउंड सुनाई देता है, तो दिक्कत नहीं आता, तो ये चीज़ यहाँ पे सही है। लेकिन एक और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब भी आप यहाँ पे ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट रखते हो और आपका फोन नॉर्मल रखा हुआ है, तो अगर रिंग वगैरह आएगी तो आपको सुनाई नहीं देगा, ना ही इसके अंदर ना ही इसके अंदर, यानी दोनों का साउंड डेड हो जाता है और सिर्फ और सिर्फ फोन आपका वाइब्रेट करता है। अगर आप पॉकेट में रख रखे हो, हेडफोन कनेक्ट कर रखे हो, तो आपके वाइब्रेट से तो पता चल जाएगा, लेकिन साउंड आपका नहीं आएगा। और ये बग भाई बहुत सारे भी USB रोम में आ रहा है, चाहे वो पोको F4 का हो, पोको F6 का हो, या पोको F5 का, या 10 प्रो वगैरह का, तो ये अभी प्रॉब्लम चल रही है मैक्सिमम जगहों पे। तो आप ब्लूटूथ यूजर्स हो तो ध्यान रखना कि जब भी आप कनेक्टेड रखते हो तो आपको साउंड नहीं मिलेगा, वाइब्रेट पे ध्यान देना होगा, या फिर ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनली ये मैंने फेस किया है, तो सोचा कि आप सभी को बता दो, क्योंकि आप लोग के कमेंट आए थे कि इसे चेक करना और बताना। तो ब्लूटूथ से रिलेटेड आपका है जो रिंग बजेगा तो सुनाई नहीं देगा, डिस्कनेक्ट रहेगा तो सुनाई देगा, और कनेक्ट पे सिर्फ सिर्फ वाइब्रेट होगा, लेकिन वहीं पर अलार्म की जगह पर दोनों में साउंड आता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती अलार्म से रिलेटेड, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मुझे मिली है। साथ साथ यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए वो सारे प्रॉपर आपके काम करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। एक ही बग मुझे देखने को मिला, वो है सिर्फ उसे ब्लूटूथ के टाइम कॉलिंग का साउंड नहीं सुनाई देना, जो कि एक सीरियस बग माना जा सकता है उनके लिए, जो कि एवरी टाइम ब्लूटूथ यूज करते हैं, बाकी नॉर्मल यूजर्स के लिए कुछ खास ये फर्क नहीं पड़ने वाला। और मेरी तरफ से ये रोम रिकमेंडेड भी होने वाला है, क्योंकि भाई इस तरीके के रोम बहुत कम आते हैं जो कि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, लेकिन वह USB है तो जैसे कि चांद में दाग रहता है, तो एक दो चीज़ें तो आपको इधर
ज़्यादा देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर आप इसे इग्नोर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, तो इसे अपने फ़ोन के अंदर डालो और इसके फुल मजे लो, क्योंकि रोम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और लास्ट टाइम भी मैंने आपको रिकमेंडेड किया था। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय। और इंस्टॉल कैसे करना है लास्ट में एक मेथड में ऐड कर दूंगा, जिसे फॉलो करके आप इसे इंस्टॉल कर पाओगे, ठीक है। फोन के ऑफ होते ही पावर टर्न एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपका फोन फास्ट बूट लोगो शो कर देगा। अब आपको अपने फोन को पीसी से कनेक्ट करना है, सारे इंपॉर्टेंट फाइलें रिक्वायर्ड जो भी है उसे आपको प्लेटफॉर्म टूल के अंदर मूव कर लेना है और सीएमडी कमांड को ओपन करना है। सीएमडी कमांड जैसे ही ओपन होता है, आपको या तो पहले ड्राइवर चेक करने के लिए कमांड रन कर देना है, या फिर डायरेक्ट TWRP ऑरेंज फॉक्स इंस्टॉलेशन का जो भी आपका सपोर्टेड कमांड है वो आपको टाइप करना है, और अपना TWRP ऑरेंज फॉक्स का इमेज फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और फ्लैश कर देना है। जो भी रिक्वायर्ड रिकवरी रहेगा वही यूज करना है। उसके बाद कमांड डालना है रिबूट टू रिकवरी का, जिससे आपका फोन रिबूट कर जाएगा रिकवरी के अंदर। और अब रिकवरी से आपको ब्राउज करना है क्या, आपकी सपोर्टेड फाइल को वन बाई वन करके सेलेक्ट करते जाओ, फ्लैश करते जाओ, और मे बी अगर फ्लैशिंग के दौरान कोई भी एरर आता है तो ऐसे में रिबूट टू रिकवरी करो और रोम को फिर से रीफ्लैश कर लो। और रिबूट टू रिकवरी के टाइम पे मे बी आपका है जो TWRP या ऑरेंज फॉक्स रिप्लेस होकर डिफरेंट रिकवरी शो कर सकता है, तो वैसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उस रोम को नए रिकवरी के साथ दोबारा रीफ्लैश कर दो। अगर रीफ्लैश प्रॉपर हो चुका है तो आप डायरेक्ट फॉर्मेट करके रिबूट कर लो, आपका जो भी OS है वो बूट कर जाएगा विदाउट किसी इशूज के। और ये जो स्टेप मैंने आपको बताया है ये सेम फॉलो कर सकते हो आप अपने HyperOS को फ्लैश करने के लिए, USB वाले किसी भी रोम को फ्लैश करने के लिए, सेम चीज़ें यहाँ पे होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी फ्लैश कर रहे हो वो प्रॉपर फ्लैश हो जाए, कोई भी एरर ना आए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।